वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। और आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो आपका MGPRU रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो ध्यान से सुन लो मेरी बात को। MGPRU की बात करने वाला हूं, MGPRU रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली जो है, बरेली जिसकी भी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है उसके लिए बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर है। और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम देखेंगे जिसे हम व्यावसायिक संख्यांकी के नाम से जानते हैं इस पेपर को, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब कि 2022 के एग्जाम में जो आपका पेपर होने वाला है, शायद 11-12 तारीख को पेपर होने वाला है, उस पेपर की बात करने वाला हूं। इन क्वेश्चनों को याद करके चले जाना, एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा मत पढ़ना। आपके पास दिनेश के गैस पेपर हो सकते हैं और बहुत सारे राइटर हैं उनके गैस पेपर हो सकते हैं, क्वेश्चन बैंक जिससे आप मार्केट से लेके आए और तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या पढ़ना है उसमें से ये भी जरूरी होता है ना। मतलब सब वो तो उन्होंने जो दिया है इंपोर्टेंट वो है, लेकिन मैं भी आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं और आपको भरोसा होगा क्योंकि मैंने आपको जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए वही पेपर में आए हैं, ये भी आपको पता होगा पूरा क्लियर तरीके से, ठीक है। और आपको पता नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर सारे उठा के देख लो, और या फिर आपने अभी जो पेपर हुआ है, जो एक दो पेपर हो चुके हैं, ऑर्गेनिक का हो चुका है, कम्युनिकेशन का हो चुका है, आपको देख लो, ऑर्गेनाइजेशन का हो चुका है, कम्युनिकेशन का हो चुका है, दोनों को देख लेना उठा के, जो क्वेश्चन दिए थे वही पेपर में आए हैं और आगे भी आते रहेंगे, जो क्वेश्चन दे रहे हैं बस उतने को ध्यान कर लो, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, समझ रहे हो। चलो टिक लगा लो अपने बुक नोट्स गैस पेपर पर, जो भी आपके पास बुक है, नोट्स है, गैस पेपर है, जो भी चीज है उस पर टिक लगा लो, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो मेरी बात को। अब क्या करोगे तुम लोग, पहला क्वेश्चन है संख्यांकी बही, संख्यांकी पेपर का जो नाम था ना बिजनेस स्टैटिक्स, मतलब व्यावसायिक संख्यांकी, तो व्यावसायिक संख्यांकी का अर्थ क्या होता है, मतलब की परिभाषा क्या होती है व्यावसायिक संख्या, उसकी सीमाएं क्या हैं क्षेत्र के बारे में, और संख्यांकी जो होती है व्यावसायिक संख्यांकी जो होती है उसके अनुसंसाधन कौन से होते हैं और उनके आयोजन कौन कौन सा है, आयोजन के अंतर्गत भी हम लोग इन क्वेश्चनों को याद करेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी निर्देश जो कह सकते हैं, निर्देश क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं, उनके गुण और उनके अनुसंसाधन के बारे में देखेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अपने बुक नोट्स गेस पेपर पर जिससे भी आप तैयारी कर रहे हैं उस पर टिक लगा लो, इसके अलावा कुछ और मत पढ़ना मैं बोल रहा हूं, ठीक है, बस इतने क्वेश्चन को पढ़ के चले जाना, उसके बाद मुझे बताना। पेपर जैसे ही हो, पेपर आपका जैसे ही खत्म हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7037327838 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप पेपर को, पेपर को आएगा वो फोटो खींचकर या फिर आप पीडीएफ बनाकर मुझे सेंड करेंगे, पेपर का जो फोटो होगा या उसको या फिर पीडीएफ बनाकर मुझे सेंड करेंगे, ठीक है ना, समझ में, ध्यान रखना मेरी बात को। चलो देखो उसके बाद में तुम्हें क्या याद करना है, प्राथमिक, ये वाला क्वेश्चन पे टिक लगा दो, ये वाला प्राथमिक सम्मक जो आप देख रहे हैं ना, सम्मक मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट जिसे कहते हैं, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट को मोस्ट इंपोर्टेंट बोलेंगे इसको, सम्मक क्या होता है, उसके गुण दो सीमाओं के बारे में, उसके सम्मक के प्रकार, सम्मक के दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्राथमिक सम्मक, एक होता है द्वितीयक सम्मक, दोनों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब देखो यहां बोला गया संख्यांकी, संख्यांकी माध्य क्या होता है, संख्यांकी माध्य क्या है, मतलब उसके उद्देश्य, संख्यांकी माध्य को उद्देश्य, प्रकार, कार, महत्व, उनकी सीमाओं को याद कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहां बोला है, देखो अब बोला गया अपकिरण क्या होती है, अपकिरण क्या, उसके उद्देश्य, उसके महत्व के बारे में, अपकिरण देख लेना, लेकिन अपकिरण भी इंपोर्टेंट है, और आपको जो सहसंबंध देखना है, सहसंबंध क्या होता है, उसके महत्व, सीमाएं, उनके प्रकार को देख लेना, सहसंबंध मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके पेपर में सहसंबंध पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप क्या पढ़ेंगे ध्यान से देखना, उसके बाद में है सूचांक, सूचांक को हम निर्देशांक भी बोलते हैं, सूचांक को हम निर्देशांक भी बोलते हैं, और निर्देशांक की विशेष उनके उपयोग, मतलब निर्देशांक का यूज कहां किया जाता है, समझ रहे हैं ये। और आपको कुछ न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं इस पेपर में, न्यूमेरिकल आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, नोट्स का लिंक नीचे जाइए थोड़ा सा आपको मिलेगा बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर नोट्स लिंक, आप उस पर टच करेंगे नोट्स पर पहुंच जाएंगे, फटाफट डाउनलोड कर लेना न्यूमेरिकल जो भी मैंने नोट्स में दे रखे बस उतना ही पढ़ के जाना, कुछ और मत देखना, सच्ची वही मिलेंगे सारे सारे कुछ क्वेश्चन। अब उसके बाद में आपको क्या देखना है, देखो ध्यान से देखेंगे सभी लोग, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे सभी लोग, पेपर हैकर को सब्सक्राइब करेंगे, और बीए बाई पेपर हैकर, बीकॉम बाई पेपर हैकर अलग अलग है, आपका भाई बहन कोई हाई स्कूल इंटर बीएससी में तैयारी कर रहा है तो आप पेपर हैकर के बारे में उन्हें जरूर बताइएगा। यहां बोला गया व्यावसायिक प्रबंध क्या होता है, व्यावसायिक प्रबंध मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको रट के जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में आता है देखो देखेंगे ध्यान से, उसके बाद में देखो क्या आता है क्वेश्चन, देखो ध्यान से ये वाला, ये देखो ये बोला गया है उत्तम माध्य,
समांतर माध्य, ठीक है। और देखो समांतर माध्य के गुण और दोषों के बारे में, मतलब कि उत्तम माध्य किसे कहते हैं, समांतर माध्य किसे कहते हैं, उनकी परिभाषा, उनकी गुण दोषों के बारे में। लेकिन ये आप देख रहे हैं ना बहुलक, बहुलक के गुण दोष क्या होते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुलक वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में छप रहा है, समझ लेना छप रहा है। उसके बाद में ये देख लेना मैं जो बता रहा हूँ, इसको आप पेपर में देखेंगे ना तो आप बहुत खुश होंगे। और मैंने जो भी आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे मैंने कहा था ना, और एक वीडियो ऐसे बना रखी है कि पेपर में कैसा लिखना चाहिए, तो मैं पेपर में पहले कौन से क्वेश्चन करना चाहिए, बाद में कौन से करने चाहिए, वो ध्यान से देख लेना। ये कह रहा है परास विस्तार क्या है, परास विस्तार क्या है ये पूछा गया है। उसके बाद में पूछा गया है माध्य विचलन के गुण और दोष के बारे में, जो माध्य विचलन होता है उसके गुण दोष क्या होते हैं, विषमता मापने की विधि मोस्ट इंपोर्टेंट है, विषमता मापने की विधि, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, विषमता मापने की विधि, ठीक है। और यहां पे देखना पियर्सन का सहसंबंध, मैंने कहा सहसंबंध किसे कहते हैं, ऊपर सहसंबंध, ये सहसंबंध गुणांक है बेटा, गुणांक ज्ञात करने की विधि, जो पियर्सन का जो सहसंबंध है, ऊपर मैंने आपको बताया था सहसंबंध के बारे में, अच्छी तरीके से याद कर लेना, वहीं आपको पियर्सन का देखने को मिलेगा पेपर में, और यह शॉर्ट में मिलेगा। लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा जीवन निर्वाह निर्देशांक किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन इतना इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप एक बार पढ़ के चले जाना, उसके बाद गलती से भी एग्जामर ने छाप दिया ना अथवा में, कहते ना अथवा में छापा है, अथवा में कहते ना अथवा में छापा हो ना, या फिर और में छाप रखा हो, और या फिर अथवा में, तो आप उसको पता है धुआं बना दो, आप धुआं कहते ना बना बना के लिख दो, वही तरीका है। कोई भी क्वेश्चन वंचित रह जाता है आपसे, याद ना हो पेपर में और आप उसको बना बना के लिखाना, लेकिन पेपर को छोड़, मतलब पेपर में कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, वो तरीका मैंने आपको बनाने का बताया है। कैसे, आप वीडियो देख लेना, सियारा प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे आपको, प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर वीडियो मिलेंगे, आप किसी भी प्लेलिस्ट में खोले ना, आपका बीकॉम भाई प्लेलिस्ट है उसमें, या बीएससी भाई उसमें फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड ईयर में, उसमें सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो मैंने अभी वीडियो प्रोवाइड कराई है, जो कैसे कॉपी में लिखना चाहिए, पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, वो चीजें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय दोस्तों।